तो आज का क्लास यहीं से ख़त्म होता है। लेकिन सुनो, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ। और आप लोग कहाँ चले? आप लोग भी रुको ना, छोटी सी बात है, सुन के ही जाओ। तो सीतापुर गांव में एक नई टीचर आती है। जो पुरानी टीचर थी वो बीमार हो गई थी, और बच्चों को पढ़ा पाना उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। इसलिए वो अपने गांव वापस चली गई। सीतापुर गांव में एक ही स्कूल था, वहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, इसीलिए वहाँ पे एक नई टीचर मंगवाई गई पुरानी टीचर की जगह पर। बच्चे तो बहुत दुखी थे, क्योंकि उनकी जो है पुरानी टीचर बहुत अच्छी हुआ करती थी। लेकिन जिस दिन नई टीचर आई तो बच्चे थोड़ा सहमे हुए थे। नई टीचर क्लास में आते ही पूछती है बच्चों से, बच्चों आप लोगों को मेरा नाम पता है क्या? बच्चे बोलते हैं, नहीं टीचर, तो मेरा नाम है मंजुलिका। सारे बच्चे बोलते हैं, ओके टीचर। मंजुलिका बोलती है, ऐसे नहीं, मेरा नाम लेके बोलो कि मेरा क्या नाम है। तो बच्चे बोलते हैं, मंजुलिका। उसमें से एक बच्ची रहती है जो अच्छे से ये नाम नहीं ले पाती। तो टीचर नोटिस करती है कि इस बच्ची ने मेरा नाम अच्छे से नहीं लिया, उसको बुलाती है, इधर आओ, क्या नाम लिया मेरा? मंदुलिका। हाथ आगे बढ़ा, टीचर उसके हाथों में पटाक पटाक दो तीन छड़ी मार देती है। उसके हाथ लाल हो जाते हैं, रोने लगती है। अब जो मंदुलिका बोलने पर बच्चे हंस रहे थे, अचानक से सन्नाटा छा जाता है क्लास में। सारे बच्चे डर जाते हैं, बच्चे क्लास में बैठते हैं। वो टीचर थोड़ा बहुत पढ़ाती है, छुट्टी हो जाती है, पहला दिन ख़त्म। फिर दूसरे दिन जब क्लास में बच्चे आते हैं, टीचर बोलती, सीधे अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और हाँ, कल सभी बच्चे 10-10 रुपए लेकर आना, और अगर 10 रुपए नहीं लेके आए तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लूँगी। इस तरह से टीचर डांटते हुए सारे बच्चों को बोलती है। तीसरे दिन जब बच्चे आते हैं, टीचर का तीसरा दिन होता है, सारे बच्चे आते हैं, सबके पास 10-10 रुपए होता है। लेकिन जो मंजुलिका नाम, सॉरी मंजुलिका तो टीचर का नाम रहता है, वो जो छोटी वाली बच्ची रहती है एक क्लास में और रहती है, थोड़ा तोतलाती है, तो जो एक और लड़की रहती है उसके पास पैसे नहीं होते। तो सब बच्चे जब पैसे दे देते हैं तो वो मंजुलिका टीचर उसको बुलाती, इधर आ, तेरा पैसा किधर है, तू क्यों नहीं लेके आई? वो बोलती है कि टीचर मेरी मम्मी बीमार थी, काम पर नहीं गई, और मेरे पापा नहीं हैं इस दुनिया में, मैं और मेरी माँ ही, हम दोनों ही घर पे अकेले हैं। तो माँ के पास पैसे नहीं था, माँ ने कहा कि मैं 2 दिन के बाद पैसे दे दूंगी, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, काम पर जाऊंगी तो मैं टीचर को बोलना पैसे दे दूंगी। टीचर बोली, नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना, तू चल जाके धूप में खड़ी रहे, जब तक क्लास खत्म नहीं होता तो सीधे धूप में खड़ी रहेगी। बच्ची को धूप में खड़ा देख चपरासी अंदर आता है, बोलता है कि मैडम छोटी बच्ची है, गरीब है, मैं बहुत दिनों से सारे बच्चों को जानता हूँ, ये सब गरीब घर के बच्चे हैं, और यहाँ जो शिक्षा प्राप्त करने आते हैं तो इतने अमीर नहीं हैं। आप ये 10-10 रुपए का जो बच्चों को फालतू का फीस लगा के रखी हैं तो ये सब अच्छी बात नहीं है। और फिर जब वो बच्ची बोल रही है कि दे देंगे तो आप उसे धूप में खड़े किए हैं। इतना सुनते ही मंजुलिका के तन बदन में आग लग गई, बोलने लगी, तू चपरासी मेरे जवान लड़ाता है, मेरे सामने आके बातें खोलता है, मुझसे जवान लड़ाएगा, रुक अनपढ़,
तू अगर पढ़ा लिखा ही होता तो चपरासी होता आज। मैं तेरी शिकायत करूंगी प्रिंसिपल को और तुझे इस स्कूल से निकलवा दूंगी। आज के आज तेरी नौकरी ख़त्म। हाथ जोड़। नहीं मैडम माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब मैं कुछ भी सुनूंगा, कुछ भी मैं बोलूंगा ही नहीं। मैं अपनी आँख और कान दोनों बंद रखूंगा। मंजुलिका मैडम उसको डांट के भगा देती है चपरासी भाई को। अब वो बच्ची धूप में खड़ी रहती है जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, बुखार उसको हो जाता है। घर जाते जाते बच्ची बेहोश हो जाती है बुखार से। वैद्य जी आते हैं, दवाइयाँ देखते हैं और कहते हैं कि इस बच्ची को ताप चढ़ गया है, ध्यान रखो बच्ची का, इसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाओ, धूप में मत खड़ा करो इसे, और थोड़ा स्कूल के एक दो दिन छुट्टी करो। दो दिन तक वो बच्ची स्कूल नहीं गई। तीसरे दिन जब वो स्कूल में जाती है तो उसके हाथ में 10 का नोट होता है और वो टीचर को 10 की नोट देते हुए कहती है कि लो टीचर 10 रुपए ले लो। उसे पता था कि आज मेरे पास पैसे नहीं हुए तो फिर टीचर मुझे मारेगी। तो टीचर पूछती है, ठीक है पैसे तो ठीक है, लेकिन तू अभी तक थी कहाँ, दो दिन से स्कूल क्यों नहीं आई थी? तो बोलती है कि मुझे बुखार हो गया था। चलो ठीक है। इतने में गांव के जो मुखिया होते हैं वो आते हैं दो तीन मटके पानी लेके, और दो मटके पानी भरवा देते हैं बच्चों के लिए और एक मटका पानी टीचर के लिए रखवा देते हैं कि बच्चे हैं कभी क्या किए, टीचर को अलग से पानी रखवा देते हैं और बोलते हैं कि मैडम ये पानी जो है बच्चों को जितना पिएंगे पीने देना, पानी कम पड़ेगा तो कुएँ से और भी भरवा देना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और बच्चों को बार बार प्यास लगी है, बच्चे बीमार हो गए और इस बच्ची का भी ध्यान रखना, इस बच्ची को ताप हो गया है। मैं गांव का मुखिया हूँ, मेरे पास ये शिकायत गई थी कि पानी की समस्या है, पहले ही वाली टीचर ने ही कहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, अब जब ये बच्ची बीमार हो गई तो मुझे लग रहा है कि उसी वजह से। बोलती है मंजुलिका मैडम कि हाँ अच्छा किया है आपने जो ये पानी रखवा दिया, मुझे भी बहुत प्यास लगती थी तो बार बार कुएं से पानी मंगवाना पड़ता था और बच्चे भी बहुत छोटे हैं जो कि पानी नहीं ला सकते। वहीं खड़ा चपरासी सारी बातें सुन रहा था, उसको तो बहुत गुस्सा आ रही थी लेकिन बेचारा ठहरा गरीब, क्या बोले। इसी तरह से चलता रहा। एक दिन देखा कि मटके का पानी ख़त्म हो गया, दोनों मटके में पानी नहीं था, बच्चे बहुत परेशान थे। तभी एक लड़की ने कहा कि वो दूसरे वाले मटके में पानी है, चलो हम उससे पानी ले लेते हैं। तब जाके उस मटके में से उसने पानी जैसे ही निकाला, मंजुलिका मैडम आई और उस बच्ची के गले को जबरदस्त जोर से दबा के पकड़ लिया और बोलने लगी कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू जो मेरे मटके में हाथ लगाई, तूने मेरा पानी छुआ, तू गरीब और पता नहीं कहाँ कहाँ के कौन से कैसे किस जात की है, तू मेरा पानी छुआ, अब मैं तेरा छुआ पानी कैसे पीऊँगी। वो चिल्ला ही रही थी कि इतने में उस लड़की की माँ, मुखिया जी और चपरासी जी और गांव के दो चार लोग आते हुए सामने से दिखे। मंजुलिका ने जल्दी से बच्ची के गले से हाथ छोड़ा, फिर भी उस लड़की के माँ ने आया और खींच के एक चमाट दिया उस टीचर के मुंह पर। मुखिया जी कहने लगे कि हमने आपको अपने स्कूल में इसलिए बुलाया था कि आप हमारे गाँव के गरीब बच्चों को शिक्षा दे सके, उन्हें पढ़ा सके, क्या कमी किया था? हमने आपकी व्यवस्था के लिए पानी किया, जो चाहिए था वो हम व्यवस्था करवा रहे थे, लेकिन आप हमारे बच्चों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, आप हमारे बच्चों से स्कूल की सफाई करवा रहे थे, आप हमारे बच्चों को रोज़ मारा करते थे, आप बैठ के आराम से फल फ्रूट खाती थी और बच्चों को बोलती थी कि घर की ये सॉरी स्कूल की सफाई करो, तो नन्हे नन्हे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने आते हैं तो आप उनसे सफाई भी करवा रही थी। बहुत सारी कंप्लेन थी उस टीचर की। चपरासी बोला, मुखिया जी मैं ये बात बहुत पहले ही बता देता लेकिन ये मैडम ने मुझे कई बार धमकी दिया कि तुमको नौकरी से निकालवा दूंगा, इसीलिए इस मैडम की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ काफ़ी टाइम से ला के रखा था कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि ये मैडम बच्चों को ना सताए, ये मैडम रोज़ रोज़ बच्चों को सताती है। मैडम पकड़ी गई, मुखिया जी वहाँ के पुलिस में कंप्लेन किए और वो जेल में गई। इस तरह से
मुखिया जी बोले कि चलो हम अपनी पुरानी टीचर को ही बुला देते हैं जो हमारे बच्चों को खुश रखती थी। पुरानी टीचर को बुलाया गया, बच्चे बहुत खुश हुए अपनी पुरानी टीचर के साथ। तो दोस्तों ये कैसी लगी हमारी एक टीचर की स्टोरी? ये मोटिवेशनल स्टोरी है। इसमें कोई भी टीचर हो छोटे छोटे बच्चों के साथ है, हमदर्दी और प्यार से पेश आना चाहिए, क्योंकि एक माँ घर पे होती है तो एक माँ स्कूल में होती है। इस कहानी का यही मेन लक्ष्य है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।